ओके, स्क्रीन शो हो रहा है एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है। तो यू जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वी, दे और ये एनपी है नाउन प्लूरल, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। मैंने आप लोगों को डे वन क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इसमें सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया और दे देता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, वो हम अगले क्लास में देख लेंगे आई में क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। इसको सिंपल से अगर हमें समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं हूं। मैं मतलब आई, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो सेकंड पर्सन आप हैं, मतलब यू, यू हो गया सेकंड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर मैं हूं आई, अगर मेरे साथ दो तीन लोग और पढ़ा रहे होते तो हो जाते वी, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाता वी। और सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही है, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है यू। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने देखा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, वो तीसरा बंदा जो अभी पढ़ नहीं रहा है हम लोगों से, मतलब जो कहीं और बाहर कहीं पे होगा, वो है थर्ड पर्सन। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो दे हो सकता है, वो कोई भी नाउन प्लूरल हो सकता है, वो तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। ओके, अच्छा यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग है, ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो यू, वी, दे और नाउन प्लूरल। इसके साथ अगर प्रेजेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, मतलब वो जनरल सेंटेंसेस है, इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया यू, तो यू वॉच मूवी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम मूवी देखते हो। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि वो अभी पिक्चर देख रहा है या उसने अभी अभी पिक्चर देखी है, देख चुकी है, या वो पिक्चर हमें पता नहीं चलता। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये उसकी एक हैबिट है या उसका एक यूजुअल गेस्चर है कि वो देखता है पिक्चर, एक जनरल सेंटेंस है। तो जब हम कोई जनरल बात करते हैं तो उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट के कंडीशन में, तो यू वॉच मूवी मतलब वो हमें पिक्चर देखता है। अब इसको अगर हमें पास्ट में बोलना है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो यू वॉच्ड मूवी का मतलब तुम मूवी देखे, तुमने पिक्चर देखी या फिर तुम पिक्चर देखते थे, तुमने पिक्चर देखी या फिर तुम पिक्चर देखते थे, ये है आपका यू वॉच्ड मूवी। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, डू और डिड पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आता है, वो नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है, इसलिए यहाँ पे डू और डिड का कॉलम खाली है। और अगर मैं इसमें बोलता हूं
है कोई भी, तो कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस ही बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। तो हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, डू यूज होगा यू वी दे और टॉप प्लूरल के साथ, ही शी इट और टॉप सिंगुलर के साथ डज यूज हो रहा था, यहाँ पे डू यूज होगा, और डू के साथ आएगा नॉट, और नॉट के साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे डू हो चाहे डिड हो दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा नॉट के साथ। तो यू डू नॉट वॉच मूवी, इसका मतलब तुम पिक्चर तुम पिक्चर नहीं देखते हो। यू डिड नॉट वॉच मूवी, इसका मतलब तुम पिक्चर नहीं देखते थे, तुम पिक्चर नहीं देखते थे या तुमने पिक्चर नहीं देखी, दोनों मतलब है इसके। यू विल नॉट वॉच मूवी, तुम पिक्चर नहीं देखोगे, तुम मूवी नहीं देखोगे। वेरी गुड, तुम मूवी नहीं देखोगे या तुम पिक्चर नहीं देखोगे, बिल्कुल सही। यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, तुम मूवी नहीं देख रहे हो, तुम मूवी नहीं देख, पिक्चर नहीं देख रहे हो, तुम पिक्चर नहीं देख रहे हो। आर आ गया तो प्रेजेंट का है, आर प्रेजेंट का है, मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है कि तुम पिक्चर नहीं देख रहे हो। यू वर नॉट वॉचिंग मूवी, तुम मूवी नहीं देख रहे थे, तुम नहीं देख रहे थे, नहीं देख रहे थे। यू विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, तुम मूवी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, तुम मूवी नहीं देख रहे होगे, बिल्कुल सही। यू हैव नॉट वॉच्ड मूवी, तुमने मूवी नहीं देखी, तुमने मूवी नहीं देखी है या तुम मूवी नहीं देख चुके हो, ठीक है। यू हैड नॉट वॉच्ड मूवी, तुमने मूवी नहीं देखी थी, तुमने मूवी नहीं देखी, बिल्कुल सही। तो 100% श्योर है पास्ट में कि उसने मूवी नहीं देखी थी या नहीं देख चुका था। तो यू हैड नॉट वॉच मूवी, यू विल नॉट हैव वॉच मूवी, तुम मूवी नहीं देखे होगे, तुमने मूवी नहीं देख चुके होगे, ठीक है, तुम मूवी नहीं देख चुके होगे, तुमने मूवी नहीं देखी होगी, दोनों सही है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरप्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप वन। टाइप वन सेंटेंस मतलब तो क्या से शुरू होते हैं, और जब क्या से शुरू होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी उनका क्वेश्चन का वर्ड बन जाता है, इंटरप्रोगेटिव वर्ड बन जाता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, इसलिए शुरू के दोनों के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। डू से चालू होता है तो डू यू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखते हो, क्या तुम मूवी देखते हो, वेरी गुड, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी इसका क्वेश्चन वाला शब्द है, इसलिए क्या से शुरू होगा ये, क्योंकि ये टाइप वन क्वेश्चन है। तो टाइप वन हमेशा क्या से शुरू होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन वाला शब्द बनता है, इसीलिए डू यू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखते हो, डिड यू वॉच मूवी, क्या तुमने मूवी,
देख रहे थे, बिल्कुल सही। कौन से? हाँ, देख रहे थे, बिल्कुल सही। विच मूवी विल यू बी वॉचिंग? तुम कौन सी मूवी देख रहे होगे? तुम कौन सी मूवी देख रहे हो? तुम कौन सी मूवी देख रहे हो? बिल्कुल सही, तुम कौन सी मूवी देख रहे होगे? Which movie have you watched? तुमने कौन सी मूवी देखी? कौन सी मूवी देखी? कौन सी मूवी देखी है या तुम कौन सी मूवी देख चुके हो? दोनों सही है। Which movie have you watched? Which movie had you watched? तुम कौन सी मूवी देख चुके थे? तुमने कौन सी मूवी देखी थी या तुम कौन सी मूवी देख चुके थे? दोनों सही है। Which movie will you have watched? तुम कौन सी मूवी देख चुके होगे? तुमने कौन सी मूवी देखी होगी या तुम कौन सी मूवी देख चुके होगे? ये दोनों सही है इसमें। तो ये होगा इंटरोगेटिव टाइप टू। अब देख लेता हूं इंटरोगेटिव में नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर हम बोलते हैं विच मूवी डू यू नॉट वॉच, तुम कौन सी मूवी नहीं देखते हो? विच मूवी डिड यू नॉट वॉच? तुम कौन सी मूवी नहीं देखी? Which movie will you not watch? तुम कौन सी मूवी नहीं देखोगे? Which movie are you not watching? तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे हो? Very good. Which movie were you not watching? तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे थे? Good. Which movie नहीं देख रहे थे? तुम कौन सी मूवी देख रहे होगे? Very good. Which movie have you not watched? तुमने कौन सी मूवी नहीं देखी है? Very good. Which movie had you not watched? तुमने कौन सी मूवी नहीं देखी? ठीक है। Which movie will you have not watched? तुम कौन सी मूवी नहीं देखोगे? ठीक है। तो ये which movie had you not watched? तुमने कौन सी मूवी नहीं देखी थी या तुम कौन सी मूवी नहीं देख चुके थे? और which movie will you have not watched? तुमने कौन सी मूवी नहीं देखी होगी या नहीं देख चुके होगे? ये है interrogative। तो अभी हमने जो active voice के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बीच का जो बेसिक एग्रीमेंट है वो हमने देखा अभी। इसमें सिर्फ आई बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाकी का हमने देख लिया। ये पूरा आपको याद रहना चाहिए। और अभी अपन कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर बोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेरे को मेन वर्ब कौन सा यूज करना है। जैसे एग्जांपल, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वी आर प्ले बैडमिंटन, तो वो वी आर के साथ प्ले नहीं आ सकता, वी आर के साथ प्लेइंग ही आएगा। बहुत सारे आई एम लगाते हैं, आई एम के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो वहां पे वर्ब में आईएनजी आएगा। अगर एक्टिव वाइज है तो आईएनजी आएगा, अगर पैसिव वाइज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वाइज का रूल अलग है, पैसिव वाइज का हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एग्रीमेंट भी अलग है। पैसिव वाइज ओपन करेंगे तब उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एग्रीमेंट पैसिव वाइज का अपन देखेंगे।